हेलो दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आइए डिस्कस करते हैं गवर्नेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हाउ डज इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी अफेक्ट द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ कंट्री हाउ डज इंडिया फेयर इन टर्म्स ऑफ दिस पैरामीटर इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज कमेंट अब ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दो आस्पेक्ट टच करनी है एक आस्पेक्ट ये कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के वजह से किसी कंट्री के ऊपर क्या असर पड़ता है अब आप मैंने जिस अप्रोच को इस आंसर में आपके सामने रखना है उसमें मैं ये बताऊंगा कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है तो ऑटोमेटिकली अगर होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको समझ आ जाएगा दूसरी चीज़ ये कि हाउ डज़ इंडिया फेयर इन टर्म्स ऑफ दिस पैरामीटर इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़ तो हम काफ़ी एग्जाम्पल्स यहाँ पर साइड करेंगे बाकी कंट्रीज़ की जहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ चीज़ों में भारत उनसे लैक कर रहा है और इंटर पार्टी सॉरी इनर पार्टी डेमोक्रेसी उसमें से एक है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में जनरल स्टडीज मेंस 2022 का स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप जो यूपीएससी मेंस के लिए चल रहा है उसमें आपको मेंटोरशिप मिलेगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के साथ साथ 300 प्लस इंपॉर्टेंट इशूज कवर किए जाएंगे क्योंकि इशू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेनली मेन्स में फिर आपके ट्वेल्व टेस्ट फाइव क्वेश्चन डेली और डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप आपको वहां पर मिलने वाला है साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जनरल स्टडीज़ मेंस टेस्ट सीरीज़ 2022 हमारी चल रही है ऑलरेडी सिक्स टेस्ट हो चुके हैं बट अगर अभी भी आप फुल एंड टेस्ट कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं साथ ही साथ हमारा क्रैश कोर्स जिसके अंदर हम कंटेंट सब्जेक्ट वाइज एलोकेट करके क्वेश्चन के साथ साथ आपको डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी प्रोवाइड करते हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में रोल करा सकते हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी किस स्टिडिया का नाम है देखिए यहाँ मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ किसी भी चीज़ को तो आप इसको एक मॉडल आंसर की तरह ना लें आप इसमें से पॉइंट्स उठा के अपने आंसर में डाल सकते हैं ठीक है डोंट कॉपी पेस्ट दिस एवरी थिंग इन एज अ पार्ट ऑफ आंसर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ ढाई वर्ड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा देखो पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो क्या कहती हैं वो ये कहती हैं कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं और हम हम एक संगठन बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो देश की इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करेगा और आप में से किसी को जनता का प्रतिनिधि चुना जाएगा अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को का जो बनना है वो एक डेमोक्रेसी की निशानी है लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का होना क्या यही डेमोक्रेसी की निशानी है बिल्कुल नहीं डेमोक्रेसी हर जगह हर सेक्टर हर सेक्शन में होनी चाहिए स्पेशली पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर तो पूरी तरह एंट्रेंच होनी चाहिए लेकिन इनर पार्टी डेमोक्रेसी या इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भारत में कितनी है इसको हमने इस क्वेश्चन में एनालाइज करना है तो पहले तो हम ये बताएंगे कि हम क्या मतलब क्या समझते हैं हम इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का सो इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम सेट ऑफ रूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग इंटरनल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल दीज मिनिमम रूल्स शुड प्रोवाइड बॉटम टू अप्रोच डिस डिसीजन मेकिंग अब यहीं पर वो बात आ रही है कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ सरकार और लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए कि हाँ एक डेमोक्रेसी की तार उनको जोड़े हुए हैं ऐसा नहीं है आप हर एक इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेटिक सेटअप रख सकते हो खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर तो होना बिल्कुल सही ज़रूरी है इनर पार्टी डेमोक्रेसी इंश्योर्स कि पॉलिटिकल पार्टी इक्वलिटी को अपनी पार्टी में प्र, आ, आ, प्रैक्टिकली अप्लाई करती है फेयर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रैक्टिकली अपनी पार्टी में अप्लाई करती है तभी तो वो आगे देश में अप्लाई करेगी मेरिटोक्रेटिक सलेक्शन में बिलीव करती है ना कि नेपोटिज्म में बिलीव करती है यही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो हम इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसमें दूसरी कंट्रीज़ या इंडिया के अलावा जो कंट्रीज़ हैं उनको देखते हैं फिर हम इंडिया का हाल बताएंगे कि इंडिया का क्या हाल है जी इन इंडिकेटर्स पे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो टेबल बना सकते हो बट टेबल में बहुत ज़्यादा आपने इसमें लिखना पड़ेगा इसमें डेटा कम है एग्जाम्पल ज्यादा है इसलिए इसमें मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप टेबल बनाएं बाकी ऑफकोर्स आपने पेपर देना है आपकी मर्जी है आपकी यूनिक आंसर राइटिंग एबिलिटी ही चेक होनी है वहां पे तो यू कैन डू एज यू वॉन्ट पहले तो इलेक्शन ऑफ पार्टी ऑफिशियल्स में डेमोक्रेसी कैसे होती है लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड्स लीडरशिप टू द कंट्री सो दैट मींस द लीडर हेड ऑफ द पोलिटिकल पार्टी शुड ऑल्सो भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी जैसे यूके में हम बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं अभी जो ऋषि सुनाक और लिस्ट ट्रस्ट के बीच में कौन बनेगा प्रधानमंत्री की लड़ाई चल रही है वो लोग के इलेक्शन की वजह से नहीं चल रही है वो तो उनकी पार्टी के अंदर चुनाव हो रहे हैं कि किसको हमने अपना लीडर बनाना है ठीक है तो ये पीएम एम डेजिग्नेट का चुनाव है विद इन पार्टी इलेक्शन के बाद चुना जाता है कि यह बंदा हमारा कैंडिडेट uh, रहेगा और इंडिया में आपको पता है कि कैसे होगा जो हेड है पार्टी के वो डिसाइड करेंगे कि मैंने खड़े होना है या मैंने अपने किसी क्लोज बंदे को पार्ट प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट रखना है दूसरी चीज कैंडिडेट सिलेक्शन कैंडिडेट सिलेक्शन यानी कि चुनाव के अंदर कंटेस्ट करने से पहले भी कौन सा कैंडिडेट चुनाव कंटेस्ट करेगा कौन सा नहीं इसके लिए भी इलेक्शन होना चाहिए यही इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहती है भारत में ऐसा नहीं होता है आप जिस बंदे को सोचते हो कि वो चुनाव जीत सकता है क्षेत्र से उसको टिकट दे देते हो उठा के आधे से ज्यादा लोग तो वो होते हैं जो या तो सिविल uh, सर्विसेज से रिटायर होते हैं या स्पोर्ट्स से रिटायर होते हैं फिल्म स्टार होते हैं या उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा होता है तो ये चीज़ें देख के आप टिकट देते हो ना कि इलेक्शन होता है विद इन द पार्टी सर्कल अब यही चीज़ यूएस की बात करें तो सेलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स बाय डन बाय एन इलेक्शन कॉल्ड प्राइमरी कहने का मतलब है कि मान लीजिए रिपब्लिकन पार्टी ने अपने उम्मीदवार का चुनाव करना है कि हमारी तरफ से कौन प्रेसिडेंट के चुनाव में लड़ेगा उसके लिए पहले बहुत बड़े चुनाव होते हैं जो दो डेढ़ दो साल चलते हैं उनको प्राइमरीज कहा जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि आपने इनर पार्टी डेमोक्रेसी को काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट किया है वहाँ पे जो बंदा उस पार्टी के वोट से गिना जा चुना जाता है वही बंदा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जाके लड़ता है नॉमिनेट नहीं होता है वो बंदा तीसरी चीज डिसीजन मेकिंग ऑफ द पार्टी इज आल्सो ड्रिवन बाय द पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन uh, कहने का मतलब कि पार्टी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा चुनाव में उस पार्टी ने अपनी पॉलिसी कैसी रखनी है उस पार्टी ने फलाना एक्सवाइज इशू पे क्या स्टैंड रखना है इसके लिए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है वोटिंग के थ्रू डिसीजन मेकिंग होती है ये होगी इनर पार्टी डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी अगर पार्टी की इंटरनल वर्किंग उसकी फंडिंग ये ट्रांसपेरेंट है तो डेमोक्रेसी अपने आप और डेवलप होती है क्यों क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं कि भाई फलाना बंदा कैसे पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया इस पार्टी के कैंडिडेट के, के पास इतना धनराशि कहां से आई जब आप सवाल के प्रति आपको स्क्रूटनाइज करते हो इसका मतलब कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फेस करने के लिए तैयार हो गट्स चाहिए भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फेस करने के लिए तो वो चीज तब आती है जब पार्टी में ट्रांसपेरेंसी होती है स्ट्रिंजेंट ऑडिटिंग होती है अगर कोई पार्टी नॉर्म से अलग जाता है तो उसको रोका जाता है ये चीजें एक डेमोक्रेटिक पार्टी की निशानी है इंक्लूसिव मेंबरशिप होनी चाहिए पार्टी में जो पार्टी के मेंबर होने चाहिए वो हर तरीके के सॉरी जो पार्टी के मेंबर होने चाहिए वो हर तरीके के सोशल इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कास्ट जेंडर रेस इसको बिलोंग नहीं करने चाहिए फिर आपकी फ्रीडम फ्रॉम लेजिस्टेशन ठीक है फ्रीडम फ्रॉम लेजिस्लेशन फॉर लेजिस्लेटर्स क्या होता है फ्रीडम फॉर लेजिस्लेटर्स होता है कि जो इंडिविजुअल एम या एम है या जो आपकी पार्टी का मेंबर होने के साथ साथ एक पार्लियामेंटेरियन भी है एक लेजिस्लेचर का मेंबर भी है उसके पास अपनी मर्जी से वोट करने की इजाज़त होनी चाहिए जिस तरीके से वो वोट करना चाहता है उस तरीके से वोट करे कहां वोट करना होता है जब भी पार्लियामेंट के अंदर या हाउस के अंदर देर इज अ रेजोल्यूशन पास और देर इज अ मोशन ठीक है या कोई बिल पास कराना होता है तो इस मामले में भारत के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया में तो बिल्कुल मना कर दिया जाता है क्यों एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोहिबिट्स फ्रॉम टेकिंग इंडिपेंडेंट स्टैंड जो पार्टी ने कहा है बस उसी के अनुसार आप चल सकते हो और किसी अनुसार आप नहीं चल सकते हो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर क्या होता है कई बार जो दो पार्टीज के लेजिस्लेटर्स होते हैं दो या दो पार्टीज के कांग्रेसमैन या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड पे बाई पार्टीजन स्टैंड लेते हैं बाई पार्टीजन मतलब सभी लोग मिल एक ही तरफ वोट करते हैं अब ऐसा भी हो सकता है कि सभी लोग करें ऐसा भी हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोग और डेमोक्रेट पार्टी के कुछ लोग करें बट ऐसा अमेरिका में देखा गया है जबकि भारत में ऐसा बहुत कम देखा जाता है इनफैक्ट हम तो देखते ही हैं कि पार्लियामेंट्स के सेशन में होता क्या है खैर डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट कितनी है उस पार्टी के लोगों की ये भी डिसाइड करती है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी कैसी चल रही है एग्जाम्पल के तौर पे फ्रांस में जब ईयू का कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई करना था तो फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी में ही स्प्लिट हो गया मतलब वो लोग क्योंकि रूलिंग पार्टी थे वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसको रेटिफाई करना है या नहीं करना है क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर से प्रस्ताव रखा गया था और कोई एक दो बंदे तो चन्न नहीं चला रहे थे सिस्टम दैट मीन्स देर वर पीपल हुवर सपोर्टर्स ऑफ दिस यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन यू कॉन्स्टिट्यूशन देर वर पीपल हुर ओपोजेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन सो दे स्प्लिट द पार्टी क्यों क्योंकि लोगों में आपसी सहमति नहीं बन पाई जर्मनी में भी जो सोशलिस्ट पार्टी थी उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम ग्रेट कोलिशन ज्वाइन करेंगे 2013 में तो जर्मनी में वैसे भी प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक पर्टिकुलर पार्टी को सिंपल मेजोरिटी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो जब ग्रैंड कोलिशन बनना था 2013 के अंदर तब उस पार्टी ने के अंदर वोटिंग करवाई गई और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस कोलेशन को ज्वाइन करेंगे नहीं लेकिन हम आमतौर पे यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करने या ना करने का फैसला है कोलेशन को ज्वाइन करने या ना करने का फैसला है वो ऊपर के दो तीन लोग ले लेते हैं तो यहाँ पर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का लैक नज़र आता है यही चीज़ आप यहाँ पर बताएंगे भारत के बारे में सबसे पहले तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है पोलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नॉर आर दे लीगल बॉडीज़ क्योंकि उनको किसी लॉ के अंदर भी रिकोगनीशन नहीं मिलती है उनको रिकोग्नीशन या रिकोगनाइज पार्टीज़ या अनरिकोगनाइज पार्टीज़ कहती है इलेक्शन कमीशन बट इट इज़ नॉट अ स्ट्रेटचरी बॉडी है ना तो इस तरीके से आपका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े से बाहर आ रही है है ना पार्टी का खुद का संविधान नहीं है कही, कहीं कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो इसीलिए वो जो भी डिसीजन है वो ऊपर के दो तीन लोग या एक बंदा ले लेता है इंक्लूसिव नहीं है। तो लीडरशिप कैसी आएगी कॉम्पोजिशन कैसी आएगी वो इतनी इंक्लूसिव नहीं है लीडर सेंट्रिक है अगेन वही चीज़ है लीडर सेंट्रिक है क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है क्योंकि सारे डिसीजन जो हैं वो एक ही बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल ले लेते हैं बाकी उसको फॉलो कर लेते हैं तो कॉन्ट्री व्यूज आर ऑफन डिसमिस्ड एंड कई बार इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हो जाती है जो शिवसेना का स्प्लिट है ये भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो शिवसेना के सुप्रीम थे उन्होंने काफ़ी अपने पार्टी मेंबर्स की बात पर ध्यान नहीं दिया अबाउट कोलिशन अबाउट सर्टन इशूज तो वो जब इशूज अलग हो गए तो फिर पार्टी में भी अलग हो गए देन यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ नेपोटिज्म जहाँ पर लीडरशिप अपने भाई बेटा दामाद भतीजा चाचा इन सब को अलग अलग अच्छी अच्छी पोस्ट पर पार्टी के अंदर रख देते हैं और डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाते हैं सो द लीडरशिप ऑफ द पार्टी मोस्टली कॉन्स्टिट्यूट लॉयलिस्ट ऑफ सेंट्रल फिगर मेकिंग इट अनिप्रजेंटेटिव ठीक है एंड दिस ब्रीड्स अ कैडर ऑफ लॉयलिस्ट तो आपका पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ख़राब हो जाता है और वो देखा गया है यहाँ पे अब पुअर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की वजह से क्या क्या होता है सबसे पहले तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो और उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है तो वो बाहर किस तरीके से डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा सो दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज़ पार्टी लीडर्स शुड राइज़ डेमोक्रेटिकली दूसरा कम्युनल टेंडेंसीज बढ़ जाती है कई बार तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या सिनारियो है कि वो रिलीजन कास्ट रीजन के आधार पर कई बार लोगों को अपील करते हैं वोट्स के लिए सो बिकॉज द लैक देर इज़ अ लैक ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप तो पार्टी जो है वो दो तीन लोगों की विचारधारा या आइडियोलॉजी के पीछे लग जाती है और उसको रैशनली एनालाइज नहीं करती सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के बारे में सोच के एनालाइज़ करती है क्योंकि कोई सवाल उठाने वाली चीज़ इंटरनल पार्टी के अंदर है ही नहीं कोई बंदा है नहीं कोई है तो वो एक्सपेल हो जाएगा तो इस चक्कर में कम्युनल टेंडेंसीज यानी कि थोड़ा सा नैरो माइंडेडनेस बढ़ती है पार्टीज़ की क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्योंकि कैंडिडेट इसलिए चुना जाता है कि ये देख के कैंडिडेट उम्मीदवार इस बेसिस पे चुना जाता है कि वो कितने पैसे ले आ सकता है कितना कंट्रोल है उसका उस एरिया के ऊपर ना कि ये कि वो कितना अच्छा काम कर सकता है लोगों में उसका कितनी कनेक्टिविटी है इसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होती है सो पार्टी मेंबरशिप एंड लीडरशिप इज सेलेक्टेड ऑन मनी एंड मसल पावर दिस गिव्स एंट्री टू द क्रिमिनल एलिमेंट्स ठीक है फिर आती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज़ पावर को ग्रेस्प करने के लिए रेजिग्नेशंस करवा देती है ज़बरदस्ती से अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का है ना जो बंदा चीफ मिनिस्टर था उसका रेजिग्नेशन करवा दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ बट दैट इज़ एन इंजीनियर्ड रेजिग्नेशन क्योंकि वो मर्जी से नहीं रिज़ाइन कर रहे होते हैं क्योंकि तीन चार लोगों ने कह दिया जो पार्टी के अपर लीडरशिप में है कि ये बंदा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए हमारा सीएम का तो नहीं रहता है वोटिंग भी इस पर भी नहीं होती कैश फॉर वोट स्कैम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हम देखते हैं है ना कि हाँ भाई दस बंदों को रिजॉर्ट ले गए क्योंकि कल को पता नहीं इनको दूसरी पार्टी की तरफ से ऑफर आ जाएगा ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि पार्टी जो है वो फेवरेटिज्म बायस के बेसिस पे काम कर रही है ना कि डेमोक्रेसी के बेसिस पे एंड बिकॉज ऑफ दिस देर आर सो मेनी स्प्लिट्स इन द पॉलिटिकल पार्टीज़ कि ऑलरेडी हमारे पास इतनी पार्टी है तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ पार्टीज हो जाती है खैर ये कोई बुरी बात नहीं है डेमोक्रेसी पे इनफैक्ट जितना जितनी पार्टीज होगी उतना अच्छा है लेकिन उसकी भी कोई लिमिट है तो वो लिमिट तब तक सही रखती है जब तक एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही है अदरवाइज वो लोगों के लिए हेडेक का कारण ही बनेगा अब वे फॉरवर्ड या आगे आने वाले समय में क्या किया जा सकता है हम ये कह सकते हैं कि पार्टीज को लीगल रिकोग्निशन दे दिया जाए और एक लॉ बनाया जाए अलग से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और उनके मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ फंक्शनिंग किस तरीके से होने चाहिए वो ले डाउन करने मतलब अगर आपने रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी आपके संविधान में आपकी पार्टी के संविधान में लिखा होना चाहिए दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देनी चाहिए ताकि वो प्यूनिटिव एक्शन ले सके उन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते फॉर एग्जांपल जो इलेक्शंस नहीं करवाते इस टाइम टाइम पे या जिन्होंने डिसेंट्रलाइज नहीं किया अपने यूनिट्स को खासकर रिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड तो चलो छोटी मोटी होती हैं रेकोग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को तो बिल्कुल एडियर करना चाहिए इन सभी प्रिंसिपल्स को साथ ही साथ टेंथ शेड्यूल में जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स इंडिविजुअल मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि भाई वह किसी भी इशू के ऊपर वो अपनी मत नहीं रख सकते अपने मर्ज़ी से वोट नहीं दे पा रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल हटा देनी चाहिए और एंटी डिफेक्शन के अंदर डिसकॉलीफिकेशन सिर्फ तभी होनी चाहिए जब बहुत बड़े किसी लेजिस्लेचर या आ, आ, कानून को लेके या नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके आपने वोटिंग इंश्योर करवानी हो आपकी पार्टी के फेवर में तो ये चीज़ हम चीज़ें हम कर सकते हैं और डेफिनेटली अगर हम इस तरीके से पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी ले आएंगे तो लोगों का पॉलिटिकल प्रोसेस में ट्रस्ट बढ़ जाएगा लोग जो विड्रॉ करते जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज से नेगेटिव एटीट्यूड है जो पॉलिटिक्स की तरफ वो इंप्रूव होगा और अगर वो इंप्रूव होगा ना तो फिर काफ़ी यूथ भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी और अल्टीमेटली पॉलिटिक्स ज्वाइन इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है वो वीलिए ज्वाइन करेगी ताकि वो लोगों की मदद कर सके सेवा कर सके। तो इस तरीके से हम इस आंसर को समझते समझ रहे हैं कि कंक्लूड कर सकते हैं और हम एक अच्छा ब्योरा अच्छा एक अकाउंट दे सकते हैं ऑफ हाउ अनर पार्टी डेमोक्रेसी वर्क इन अदर कंट्रीज़ काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया यूएस का एग्जांपल बताया यूके का एग्जांपल बताया स्पेन का एग्जांपल बताया फ्रांस का एग्जाम्पल बताया और इसको आप एन्यूमरेट कर देंगे थैंक यू